हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज कोई भी ब्लॉग वीडियो मैं शूट नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी जो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, वो मैंने बनाकर कर दिए हैं कंप्लीट, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए उसको मैं जो है दिखाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बनाई थी हमने ये वाली स्वेटर। काफ़ी टाइम से जो है ये स्वेटर बन रही थी, और ये देखिए इस तरह से ये स्वेटर बनी है। हैंडमेड स्वेटर है, और ये टॉप डाउन जो है स्वेटर बनी है। कॉलर से जो है ये शुरू हो गई है, यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है और टॉप डाउन इसे बनाया है। ये देखिए इस तरह से स्लीव जो है इसके, इस तरह से बैलून स्लीव्स हैं। ये देखिए, ये यहाँ से और लास्ट तक जो है सेम रहते हैं, कोई भी मतलब घटाया बढ़ाया नहीं जाता है। सिर्फ जब हम यहाँ पर आते हैं तब हमने जो है सारे फंदे एक साथ बंद करने हैं, और यहाँ पर जो है बॉर्डर बनाया है। ये देखिए इस तरह से दानेदार बॉर्डर ये बना है, और इसकी जो स्लीव्स है उसको मैंने इस तरह से बंद किया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बंद किया है, और यहाँ पर जो है हमने एम्ब्रॉयडरी भी की है। ये देखिए इस तरह से पल्ले में एम्ब्रॉयडरी की है, एक साइड ही की है, और लगा दिए हैं बटन। ये ओपनेबल स्वेटर है, और इसके साथ हमने बनाया है इसका जो है ये पजामा। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये पजामा बना है, और यहाँ पर भी जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखिए दूसरी साइड भी की गई है, दोनों साइड किए हैं, और यहाँ पर जो है मैंने इसमें कोई भी इलास्टिक बैंड नहीं लगाया है, और यहाँ पर हमने लगाई है डोरी, और उसमें थोड़े से पम्पम लगा लिए हैं, दो पम्पम लगाए हैं। और ये देखिए पजामी बनकर हो गई है तैयार। और ये ना 3 से 4 साल तक के बच्चों को जो है बड़े आराम से आ जाएगा, 4.5-5 तक भी आ जाएगा। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है। वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही मतलब प्यारी सी ड्रेस है। वो है जी हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस है, और ये देखिए इस तरह से बनी है। ये ना कलियों की ड्रेस है, ये कलियों में बनी है, और मैंने इसको जो है सिलाइयों से बनाया है। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस बनी है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पर हमने लगाई है डोरी, और यहाँ पर देखिए मैंने बटन भी लगाए हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से टिच बटन मैंने लगाए हैं, दो बटन मैंने इसमें लगाए हैं। ये देखिए, और ये ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसे कर लेंगे बंद। ये इसकी चोली है, और यहाँ पर जो है इसका घेर इस तरह से आया है, और मैंने इसको ना दो कलर में बनाया है। तो और उसके साथ बनाई है हमने कैप, कैप को मैंने ग्रीन कलर में रखा है। ये देखिए इस तरह से, और ये जो ड्रेस है वो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनी हुई है। अब मैं आपको जो है अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। वो प्रोडक्ट नहीं है, फिर से ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखिए सबसे सुंदर जो है ये ड्रेस बनी है। ये देखिए इस तरह से जो है ये ड्रेस बनी है, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और ये देखिए इस, ये इसका जो है बैक साइड है। आप चाहे तो इसको फ्रंट भी रख सकते हैं, चाहे इसे फ्रंट रख सकते हैं। आप जैसे भी मतलब अपने गोपाल जी को ड्रेस पहनाते हैं वैसे आप पहना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने थोड़े से जो है फ्लावर जैसे बना दिए हैं। आप चाहें तो इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कोई भी बीड नहीं लगाया हुआ है। और ये बनाई है कैप, कैप थोड़ी बड़ी बनाई है साइज में, ताकि जब बाल वगैरह होते हैं ना लड्डू गोपाल जी के, जब आप उन्हें बाल पहनाएं तो मतलब बालों के ऊपर से भी ये अच्छे से आ जाएगी टोपी। तो ये भी बनी है 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो बहुत ही सुंदर देखिए ये ड्रेस बनी है, और इसका घेर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से ये है बैक साइड, और ये फ्रंट साइड, काफ़ी सुंदर ये ड्रेस बनी है। तो जिनकी ये ड्रेस बनी है उनका ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। ऑर्डर पे ये ड्रेसेस बनी थी,
ये बेबी सेट भी जो है ऑर्डर पे बनाया गया था, और ये दो ड्रेसें जो है लड्डू गोपाल जी की, ये भी ऑर्डर पे बनी है। तो आज जो है ये ऑर्डर जा रहा है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ये पसंद आए होंगी सारी ड्रेसेस। पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।